हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 8वें चैप्टर के 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13 के किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर कोई एक मीनार है और ये पूरी नहीं है मीनार, अपूर्ण मीनार है। इसके आधार से 120 मीटर दूर, तो ये इसका आधार है, इससे 120 मीटर दूर, ये मान लेते हैं 120 मीटर दूर है। यहां पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है इस बिंदु से। अब आगे इसमें क्या बोला है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा किया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। वो कहता है इस मीनार को कितना और ऊंचा किया जाए कि इसी स्थान पर इस मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री। ये बोला है इस मीनार को यहां से और कितना ऊंचा किया जाए कि इसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री। तो देखो इसका नाम दे देते हैं पहले। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना ए बी एक अपूर्ण मीनार है, माना ए बी एक अपूर्ण मीनार है जिसकी ऊंचाई h1 मीटर, जिसकी ऊंचाई h1 मीटर, ये लिख लो। फिर उसके बाद मीनार के आधार ए से 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु डी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अर्थात कोण ए डी बी इक्वल 30 डिग्री, ए डी बी इक्वल 30 डिग्री। माना मीनार को बिंदु बी से सी तक h2 मीटर ऊंचा करने पर, क्या लिखोगे, माना मीनार को बिंदु बी से सी तक h2 मीटर ऊंचा करने पर उसका उसी आधार AD पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कौन सा कोण, कोण ADC, अर्थात ADC इक्वल 60, ये इसमें लिखो। अब लेके चलते हैं यहां पर, पहले हमारे पास h1 की वैल्यू ली थी, हमें तो ये बताना है सिर्फ इस मीनार को कितना ऊंचा किया है, h2 की वैल्यू बतानी है। h2 की वैल्यू कैसे आएगी, जब हमारे पास पहले इस h1 की वैल्यू, तो देखो अगर इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री है। अब यहां पर इसकी बात करें तो ये आधार है और ये लंब है, तो लंब और आधार का संबंध किस में लगे होता है, tan, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी ए बी में, समकोण त्रिभुज डी ए बी में लंब और आधार आ गए तो टेन का संबंध लगेगा, टेन थीटा इक्वल लंब इसके लिए ए बी अपॉन में आधार इसके लिए डी ए, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल में ए बी की वैल्यू स्मॉल एच वन अपॉन में डी ए की वैल्यू 120, टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 3 इक्वल में h1 अपॉन में 120, तो तिरछा गुणा करेंगे यहां से क्या आएगा रूट 3 h1 इक्वल में 120, तो h1 इक्वल 120 बटे रूट 3, रूट 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, तो h1 इक्वल 120 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन में रूट, तो 120 रूट 3 रूट 3 इंटू रूट 3 कितने हो गए 3 इंटू 4 12, तो ये कितना आ गया 40√3। h1 की वैल्यू कितनी आ गई 40√3 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब पूरा त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज BAC में इसमें भी लंब और आधार का संबंध लगाना है क्योंकि हमें सिर्फ h2 की वैल्यू के लिए h1 की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो tan थीटा इक्वल लंब इसके लिए क्या हो गया यहां से AC अपॉन में आधार DA, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, समकोण त्रिभुज लिखोगे यहां tan 60 डिग्री, AC AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन में DA की वैल्यू 120, AB प्लस BC, AB को क्या माना h1, इसको क्या माना h2, tan 60 की वैल्यू √3,
इक्वल में एच वन प्लस एच टू अपॉन में 120। अब यहां पर देखोगे इसके ब्रैकेट में समीकरण एक से एच वन का मान रखने, समीकरण एक से एच वन का मान रखने 120 यहां पर बाद में इधर कैसे लिख लेंगे गुणा में, तो 120 रूटिंग इक्वल में एच वन की वैल्यू कितनी है 40 रूटिंग प्लस में एच टू प्लस के 40 रूट 3 एक साइड आके माइनस के, तो एच टू इक्वल 120 रूट 3 माइनस 40 रूट 3, 120 रूट 3 में से 40 रूट 3 माइनस करेंगे तो 80 रूट 3, रूट 3 की वैल्यू रख दो यहां पर 80 इंटू 1.73, तो ये यहां से कितना आ जाएगा आपको 16, 8 ये 24 और 1 25, फिर 8 से 56, 8 एक 8 और 3 11, फिर यहां से ये कितना आ जाएगा इसमें 8 ये 16, फिर उसके बाद 8 ये 24 और 1 25, 2 अंश 8 इंटू 7 56 और 2 58, कितनी अंश लिए यहां से 5, 8 और 5 3। अब यहां पर तीन संख्याएं छोड़ के पॉइंट कराना है लेकिन एक जीरो है तो दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट करा दो, तो कितना आ गया 138.56 मीटर। तो क्या लिखोगे, अतः मीनार को 138.56 मीटर और ऊंचा करने पर इसका उसी स्थान पर न्यून कोण 60 डिग्री हो जाएगा। देखो एक आयतन मीनार थी, इसके आधार से 120 मीटर दूर कोई बिंदु मान लिया, इससे मीनार के शिखर का न्यून कोण 30 था। अब उसने कहा इस मीनार को कितना ऊंचा किया जाए कि इसी स्थान पर इसका न्यून कोण 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, सबसे पहले एक मीनार दिए, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, सबसे पहले एक मीनार मान ली, फिर इसके बाद इसमें दिया है मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर। अब ये मीनार है, इसका आधार है, इससे 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस मीनार का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो, इसको ना लेते हैं सबसे पहले ए बी सी, सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखोगे, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर, क्या मान लिया ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मीनार के आधार ए से, यही है मीनार का आधार, मीनार के आधार ए से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी, ये 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी है, स्थित बिंदु सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, अर्थात कोण ए सी बी इक्वल 30 डिग्री, ये इसमें हिंदी लाइन में लिखोगे सबसे पहले। अब इसके बाद देखो इसमें लंब की वैल्यू क्या करनी है, आधार की वैल्यू दे रखी है, तो लंब और आधार, लंब और आधार किस में आते हैं टेन में, तो देखो यहां पर इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण कौन सा इसमें ये है, तो क्या लिखनी है सी ए बी में, सी ए बी लंब की वैल्यू चाहिए, आधार की दे रखी है, थीटा की दे रखी है, तो लंब और आधार किस में आते हैं टेन में, टेन थीटा इक्वल लंब की वैल्यू इसके लिए कितनी है ए बी अपॉन में आधार, आधार की वैल्यू इसके लिए कितनी है ए सी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल में ए बी, ए बी की वैल्यू हमने क्या लिया स्मॉल एच अपॉन में ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है 100, तो tan 30 की वैल्यू 1 बटे रूट 3 इक्वल में h अपॉन में 100,
तिरछा गुणा करेंगे यहां से तो रूट तीन एच इक्वल मीन्स हो तो एच इक्वल 100 बटे रूट तीन रूट तीन का मान रख दें यहां पर तो एच इक्वल 100 बटे 1.732। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा इनटू में 1000 तो ये पॉइंट कैंसल। अब इसका इसमें भाग दोगे तो भाग देने पर ये कितना आ जाएगा एच इक्वल 57.73 के। ये इसका भाग देंगे देखो यहां इसको पहले दूसरी टेबल से काट लेना पड़ रहा है ठीक है तो ये कितना आएगा 57.73 मीटर। तो क्या लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई 57.73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया किसी स्तंभ की चोटी का अंगन कोण कोई एक स्तंभ है उसकी चोटी का अंगन कोण दीर्घ है तो देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया किसी स्तंभ की चोटी का अंगन कोण एक स्तंभ मान लिए। अब इसने आगे क्या बोला स्तंभ की चोटी का अंगन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से कोई समतल पर स्थित एक बिंदु से इस स्तंभ की चोटी का अंगन कोण 15 डिग्री मान लिया इस बिंदु से इसका अंगन कोण कितना है 15 डिग्री। अब आगे क्या बोलते हैं स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर अब देखो यहां से था अब स्तंभ की ओर 100 मीटर चला मान लो यहां तक ये 100 मीटर दूरी होगी स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर अंगन कोण 30 डिग्री हो जाता है मान लो यहां तक ये 100 मीटर दूरी पूरी होगी यहां पे आते ही अंगन कोण कितना डिग्री हो जाता है 30 डिग्री। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो तो इस स्तंभ की हमें ये ऊंचाई ज्ञात समझिए तो देखो इसमें ये दूरी मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक एक्स मीटर क्या मानेंगे इसको एक्स इसको नाम देते हैं ए बी सी क्या लिखोगे माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर क्या मान लिया ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर ठीक है समतल पर स्थित किसी बिंदु सी से समतल पर स्थित किसी बिंदु सी से स्तंभ की चोटी बी का अंगन कोण 15 डिग्री स्तंभ की चोटी बी का अंगन कोण 15 डिग्री बिंदु सी से स्तंभ की ओर 100 मीटर दूरी बिंदु डी तक चलने पर स्तंभ के शिखर या स्तंभ की चोटी बी का अंगन कोण 30 डिग्री हो जाता माना डी इक्वल एक्स मीटर माना डी इक्वल एक्स मीटर क्या लिखोगे कोण बी सी ए इक्वल 15 डिग्री और कोण बी डी ए इक्वल 30 डिग्री और उसने वैल्यू दे रखी है इसके ब्रैकेट में 10 15 डिग्री की वैल्यू हमें क्या रखनी है 2 - √3 ये उसने पहले बता रखा है 10 15 डिग्री इक्वल 2 - √3 ये रखो आप देखो ये लिख दोगे उसके बाद सी ए की वैल्यू याद करें तो सी ए इक्वल ये हमने पहले इसमें बता दिया माना डी इक्वल एक्स मीटर ही तो सी ए इक्वल क्या होगा सी डी प्लस डी ए सी डी की वैल्यू यहां पर कितनी है 100 प्लस डी ए को क्या माना है तो क्या होगा ये 100 प्लस एक्स कितनी होगी सी ए की वैल्यू 100 प्लस एक्स और देखो हमें लंब चाहिए तो पहले ये आधार होना चाहिए एक फिर पूरे में संबंध लगा लेंगे एच की वैल्यू निकालनी है पहले हमारे पास ये सब एक्स की वैल्यू हो जाएगी ठीक है तभी हम पूरा त्रिभुज लेके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एच की अगर हमारे पास ये बेस ही नहीं है ना ही हमारे पास करण है तो इस एच की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते तो सबसे पहले जो इस एक्स को माने इसकी वैल्यू फाइंड करो तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी ए बी में
डी ए बी में कौन सा लगेगा, इसमें भी लंब बटेदार टेन पे लगेगा, टेन थीटा इक्वल लंब इसके लिए ए बी अपॉन में आधार इसके लिए डी ए, इसको दे देना समीकरण एक, तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल में ए बी की वैल्यू कितनी है स्मॉल एक्स अपॉन में डी ए की वैल्यू कितनी है स्मॉल एक्स, 35 की वैल्यू 1 बटे रूट 3 इक्वल में एच अपॉन में एच, तिरछा गुणा करेंगे तो एक्स इक्वल क्या आ गया यहां से एच रूट 3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 उसको दिए जिसको क्या है समीकरण नंबर 2, तो एक्स की वैल्यू इसकी हमारे पास कितनी आ गई अब एच रूट 3, एच में चेंज हो जाएगा सारा क्वेश्चन क्योंकि हमें सम की ऊंचाई एच ही ज्ञात करनी, तो देखो अब पूरा त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में टेन थीटा इक्वल लंब इसके लिए ए बी अपॉन में इस एरिया धार सी ए, सी ए का मान कहां से रख दो समीकरण एक से, समीकरण एक से सी ए का मान रखने पर टेन थीटा की वैल्यू इसके लिए कितनी है टेन 15 डिग्री इक्वल में AB की वैल्यू स्मॉल x अपॉन में समीकरण 1 से CA का मान रखते हैं कितना है 100 + x, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान लिख करेंगे x की वैल्यू रखते हैं यहां पर कितनी है h रूट 3, समीकरण 2 से x की वैल्यू रखेंगे h रूट 3, तो देखो यहां से tan 15 की वैल्यू उसने बोला कितनी रखनी है 2 - √3 इक्वल में एच अपॉन में 100 + h√3, इसके बटा में कुछ नहीं इतना मान सकते हैं एक, तिरछा गुणा करेंगे तो h इनटू 1 इक्वल में 2 - √3 इनटू 100 + h√3, तो h इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 100 के साथ 2 × 100 फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई h√3 के साथ 2h√3 माइनस रूट तीन का 100 के साथ -√3 × 100 फिर माइनस प्लस माइनस √3 × h√3, इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल 200 + 2h√3 -100√3 - √3 × √3 3h, h वाली संख्या एक तरफ ले जाओ तो h माइनस के 3h के इस साइड आके प्लस के 3h प्लस 2h√3 इस साइड आके माइनस के 2h√3 और यहां पर क्या रहेगा इसमें 200 - 100√3 h प्लस 3h 4h माइनस 2h√3 इक्वल में यहां से कॉमन क्या रहा 100 तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 100 के 200 2 ही रह गया -√3 तो 100 × 2 - √3 यहां से एक कॉमन ले तो क्या आ रहा है इसमें से कॉमन 2h ब्रैकेट में क्या रहेगा x से h कैंसिल 2 × 2 क्या फिर माइनस 2h से 2h कैंसिल क्या रहेगा √3 इक्वल में 100 × 2 - √3 अब 2h के गुणा में है 2 - √3 उधर किसने चलेंगे बाद में तो देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2h इक्वल 100 × 2 - √3 अपॉन में 2 - √3 2 - √3 से 2 - √3 कैंसल तो 2h इक्वल कितना आ गया 100 h के गुणा में है 2 यहां पर इधर चलेंगे बाद में तो h इक्वल 100/2 तो h इक्वल कितना आ गया 50 मिलीमीटर तो हमने क्या माना था स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h की मानी थी तो अतः स्तंभ की ऊंचाई कितने मीटर है 50 मीटर बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में